सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो नेक्स्ट हमारे पास में कंसेप्ट था, द पैरेलल कम्बिनेशन। हम पैरेलल कम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और इसके साथ में कुछ छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ, यानी कोई चीज़ हमारी छूटने नहीं वाली। कुल मिला के बात यही है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो फिगर हमने ड्रॉ की है उसमें हमने क्या क्या बातें हमने ध्यान रखी हैं, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बैटरी है पोटेंशियल वी है इसका, ठीक है, पोटेंशियल वी की बैटरी जो लगी हुई है, यहाँ पे दोनों एंड है। ये बैटरी का पी जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव एंड है, एन लिखा हुआ है ये नेगेटिव एंड है। पिछली बार जो कैपेसिटर थे वो एक ही जो लाइन थी, लोड लाइन एक ही थी, उसी के ऊपर थे तीनों के तीनों कैपेसिटर। इस बार क्या है कि जो इनकी लोड लाइन है या फिर जो पाथ है करंट के फ्लो करने के लिए, वो तीनों इस बार अलग अलग है, ठीक है। तीन अलग अलग पाथ बनते हैं यहाँ पे, पहले कैपेसिटर सी वन के लिए, दूसरे से कैपेसिटर सी टू के लिए, और तीसरे कैपेसिटर सी थ्री के लिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज का छोटा सा फर्क आ जाता है। यहाँ पे क्या फर्क आता है देखिए समझते हैं कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, देन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है अलग अलग कैपेसिटर के लिए वो क्या होती है, सेम होती है, सॉरी अलग अलग होती है। जितने कैपेसिटर्स हैं उतनी ही वोल्टेज है, यानी वोल्टेज डिवाइड होती है वहां पे। यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज सारे कैपेसिटर्स के लिए, सी वन कैपेसिटर के दोनों एंड पे भी वोल्टेज वी ही रहेगा, सी टू कैपेसिटर के दोनों एंड पे भी क्या रहेगा, वी रहेगा, और सी थ्री कैपेसिटर के दोनों एंड पे भी जो पोटेंशियल रहेगा जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, वी रहेगी, ठीक है। द पोटेंशियल विल बी द सेम, या पोटेंशियल सेम रहने वाला, लेकिन चीज चेंज क्या होती है यहाँ पे, यहाँ पे चेंज होता है जो चार्ज है। इस बार पिछली बार चार्ज सेम था, इस बार क्या हुआ, पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्ज चेंज हो रहा है। पहले कैपेसिटर C1 के लिए चार्ज हम Q1 मान लेते हैं, दूसरे कैपेसिटर C2 के लिए चार्ज Q2 मान लेते हैं, तीसरे कैपेसिटर C3 के लिए हम चार्ज मान लेते हैं Q3। एक तरफ पॉजिटिव साइड है, दूसरी तरफ नेगेटिव साइड है, ये चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो बात करते हैं देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए समझिए, इस कॉन्फिगरेशन में हमें इस बार टोटल पोटेंशियल निकालने के बजाय क्या सॉल्व करना है। देखिए पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस में भी डिफरेंट, वो हम बात करेंगे। तो चीज यहाँ पे क्या अलग है, चार्ज यहाँ पे अलग अलग है। सो द टोटल चार्ज अब इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल चार्ज अगर मैं Q लिखता हूं तो वो क्या होगा हमारे पास में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारे पास में होगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, जो चार्ज Q1 Q2 Q3, जैसे हमें फॉर्मूला पता था, ऑल्सो वी नो दैट एक बात मैं कहूंगा कि जब भी लिखा जाता है वी नो दैट, तो जरूरी नहीं कि इसके बाद वाली चीज हमें पता हो, बट इस केस में क्या है, इस केस में हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट। हम बात करते हैं कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू, हमने क्यू बाई वी लिख रहे थे हम इन जनरल, ठीक है, यानी ये कैपेसिटेंस की वैल्यू थी हमारे पास में। लेट अस से दिस इज द पैरेलल कैपेसिटेंस, और चार्ज में हमारे पास में क्या आएगा फिर इन केस, जो सी पी है हम बाद में लिखेंगे, यानी कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी तीनों चार्जेस के लिए अगेन इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, देन Q1 विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्या चीज चेंज हो रही है यहां पे, पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 V, Q2 के लिए हमारे पास में हो जाएगा C2 V, और इसी तरीके से Q3 के लिए हमारे पास में हो जाएगा C3 भी, ये वैल्यू हो जाएंगे। ये सारी वैल्यू हम कहां पुट करने वाले हैं, यहां पुट करने वाले हैं। यहां पे कैपेसिटेंस कौन सी होगी, पैरेलल कैपेसिटेंस होगी, दिस विल बी द सीपी। देखते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से क्या होता है, अब इक्वेशन क्या कैसे चेंज होती है, यहां से देखिए सीपी वी विल बी इक्वल्स टू C1V C2V C3V। वी इन सबसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन लेके कोई बड़ी बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। सो जो ओवरऑल पैरेलल कैपेसिटेंस है सीवी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तीनों कैपेसिटर्स जो लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनके लिए जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास में तीन की बजाय ज्यादा कैपेसिटर्स हो, यानी कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जो सीपी है वो वही नॉर्मल सा सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो यहां पर अप्लाई होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा CN तक, यानी जितने कैपेसिटर्स हैं उन सब की अगर आपको कैपेसिटेंस पता है तो इन दैट केस आप क्या निकाल सकते हो, जो पैरेलल कैपेसिटेंस है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इन सब की वैल्यू सेम होती तो N मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खास इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, अलग से कंसेप्ट लग रहा हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इन सब को एक दूसरे तरीके से हम भी अरेंज कर सकते हैं, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था डाइइलेक्ट्रिक्स का, उससे इसको कैसे करते हैं, देखिए। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे डाइइलेक्ट्रिक कंसेप्ट के बारे में। अगर हम ये मान लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास में तीनों कैपेसिटर्स का जो हमने पिछली बार कॉम्बिनेशन बनाया था,
कि तीन अलग अलग थिकनेस के अगर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए अगर डाइलेक्ट्रिक का नेचर अलग अलग है तो उनके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। सेम केस यहाँ पे तीन हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल रखे हैं, बिल्कुल उसी की तरह से कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। ध्यान रहे पी और एन क्या रहेंगे, सबके लिए सेम रहेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे तीन डाइलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं जिनके लिए जो अपना मीडियम परमिबिलिटी है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 तीनों के लिए क्या है अलग अलग हैं। यहाँ पे इसका पी साइड है यानी पॉजिटिव साइड से आ रहा है और यहाँ पे इसका एन साइड है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी हमारे पास में कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा हाइपर और बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में सीरीज है। चलिए अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा सबसे पहली बात, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसको डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं इसकी थिकनेस T1 और यहाँ पे थिकनेस T2 और यहाँ पे थिकनेस T3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन ये होगा कि पिछले केस में कैसा था कि बिल्कुल ऐसा उल्टा किया होता है, यानी पोटेंशियल कहाँ से आ रहा था, इन दोनों साइड से आ रहा था, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ रहा था उसको करंट को, ठीक है। इस बार क्या है कि करंट को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं, करंट के लिए फिक्स है कि उसको खाली सिर्फ डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करना है। आप चाहे यहाँ पे कितने भी डाइलेक्ट्रिक्स लगा दो, उसको यहाँ से पी से लेके एन तक आना है और इसी में से पास होके आना है, ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि थिकनेस कितनी है, थिकनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थिकनेस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें थिकनेस जरूरी है आपको मेंशन करना वहां पे। यहाँ पे थिकनेस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लिखो ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, डी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैटर करता है। देखिए अब इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस कितनी होगी, मान लेते हैं कि पहले डायलैक्ट्रिक के लिए, जो पहले डायलैक्ट्रिक एप्सिलॉन जिसकी परमिटिविटी है, इसके लिए मान लेते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस फॉर फर्स्ट डायलैक्ट्रिक तो कितना हमने निकाला था, हमने लेट अस से दिस इज द C1 और हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इसको एप्सिलॉन 1 एरिया A के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो इसका प्लेट का एरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद में किस पे डिपेंड करता है, उस डिस्टेंस पे जो किसको अफेक्ट करने वाला है, इसे P से लेके N के पाथ को अफेक्ट करने वाला है। कौन अफेक्ट कर रहा है यहां पे, जो D है ये इसको अफेक्ट कर रहा है, D यहां पे हो गया। अब इसको लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म में, अगर हम यहां पे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 A ओवर डी, ये वाले लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए सिमिलरली आपके पास आ जाएगा C2, उसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R2 A ओवर डी, और इसी तरीके से इन दिस सेम सिनेरियो C3 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A बाई डी, तीनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई, ठीक है। पैरेलल कैपेसिटेंस हमने कैसे लिखी थी, ऑल्सो द पैरेलल कैपेसिटेंस अगेन, जो माने पैरेलल कैपेसिटेंस CP इज इक्वल टू क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे थे हमारे पास में वैल्यूज। तीनों की वैल्यू उठा के रखनी, जो कॉमन चीज उनको बाहर रख लो, जो बाकी रच गए उसको अंदर लिख देना हमें। यहाँ पे कॉमन कितना है, यहाँ पे कॉमन है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A कॉमन है और उसके अपॉन में डी जो है ये टर्म हमारे पास में कॉमन है। इनको छोड़ के क्या बच गया, इनको छोड़ के यहाँ पे बच गया एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सॉरी एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। क्या ये टर्म हमारे पास में लास्ट में बच जाएगी, ये टर्म हमारे पास में लास्ट में बच जाएगी, ठीक है। दिस इज द CP। अच्छा इस केस में हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे जो एरिया A है ये जो सॉल्यूशन हमारे पास में आया है ये सॉल्यूशन वैलिड है अगर सभी प्लेट्स का, ये जो 1, 2 और 3 जो हमने प्लेट्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं कैपेसिटर की, अगर इन सबका एरिया क्या है सेम है, लेकिन क्या हो अगर इनका एरिया क्या हो डिफरेंट हो। अगर मान लेते कि पहले डायलैक्ट्रिक एरिया A1 है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A3 है, तो चेंज क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा बहुत ही लिटरल सा चेंज यहाँ पे होने वाला है कि जो A है ये अब बाहर कॉमन नहीं आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके लिए। कैसे हो जाएगा, 4 डिफरेंट डायलैक्ट्रिक एरियाज फॉर डिफरेंट डायलैक्ट्रिक प्लेट एरियाज प्लेट्स एरियाज ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जो CP है उसकी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचने वाला है, देखिए दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में A1 एप्सिलॉन R1 A2 एप्सिलॉन R2 A3 एप्सिलॉन R3। ये हमारे पास में
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की ओवरऑल कैपेसिटेंस हमारे पास में आ गई, ठीक है। तो ये केस हमें कंसिडर करने थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए। अगर कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की है, और इस कॉम्बिनेशन में हमने बात की पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पहले कॉम्बिनेशन की बात की, उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक के केस बनाए हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा और लिटरल सा कंसेप्ट रहा है हमारी ओर से। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपके पास में है, या फिर आपका कोई सुझाव है वीडियोस को लेकर, देन यू कैन कमेंट अस, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। सो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।